इन्वेस्टमेंट बाय पेरेंट कंपनी प्लस फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट बाय एनसीआई माइनस फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन। ये जो आंसर हमारे पास आएगा या तो पॉजिटिव गुडविल आएगी या नेगेटिव गुडविल आएगी। पॉजिटिव गुडविल आएगी तो बैलेंस शीट में जाएगी और अगर नेगेटिव गुडविल आती है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन इनकम के तौर पे जाती है। फिर हमने डिस्कस किया था कि कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग निकालेंगे हम बैलेंस शीट बनाने के लिए। और उसका तरीका ये था कि पेरेंट की रिटेन अर्निंग लेंगे फुल और उसमें ऐड कर देंगे शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी। पेरेंट की रिटेन अर्निंग लेकर उसमें शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी ऐड कर देंगे। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में शेयर, तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट मैंने बताया था कैसे निकलेगा। पोस्ट प्रॉफिट निकालने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि सब्सिडरी के पास रिटेन अर्निंग एक्विजिशन पे कितनी थी और सब्सिडरी के पास रिटेन अर्निंग बैलेंस शीट डेट के ऊपर कितनी है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। ये जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आता है इसमें पेरेंट का भी शेयर होता है और इसमें एनसीआई का भी शेयर होता है, क्योंकि सब्सिडरी कंपनी के पास जो कुछ है उसमें एक परसेंटेज पेरेंट की होती है और एक परसेंटेज एनसीआई की होती है। अच्छा, ये जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है इसमें लॉस भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हमें निकालना है और रिटेन अर्निंग एट एक्विजिशन 100 मिलियन दी हुई है और रिटेन अर्निंग एट बैलेंस शीट 150 मिलियन है तो पोस्ट प्रॉफिट आया 50 मिलियन का। लेकिन अगर रिटेन अर्निंग एट एक्विजिशन थी 150 मिलियन और अब रिटेन अर्निंग एट बैलेंस शीट डेट हो गई है 100 मिलियन, सो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ पोस्ट एक्विजिशन लॉस। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट या पोस्ट एक्विजिशन लॉस, सो दिस इज पोस्ट एक्विजिशन लॉस। सो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, वट एवर जो भी होगा वो हम रिटेन अर्निंग के अंदर प्लस या माइनस करके कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद बैलेंस शीट बनाने के लिए नेक्स्ट स्टेप होता है टू कैलकुलेट नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। कंसोलिडेशन की पहली क्लास में तुम लोगों को बताया था कि बैलेंस शीट बनाने के स्टेप्स होते हैं और उस स्टेप्स के अंदर बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है गुडविल कैलकुलेट करना, उसके बाद रिटेन अर्निंग कैलकुलेट करना और उसके बाद नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। ये तीन चीजें अगर हमारे पास आ जाएं तो हम इजीली बैलेंस शीट बना सकते हैं, ग्रुप की बैलेंस शीट या कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अब नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की जो वैल्यू है और जो रिटेन अर्निंग की वैल्यू है वो बैलेंस शीट के लिए निकालते हैं, ये भी हम बैलेंस शीट के लिए निकालते हैं बैलेंस शीट बनाने के लिए, और ये भी हम बैलेंस शीट बनाने के लिए निकालते हैं यानी कि रिपोर्टिंग डेट के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। इसका भी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, पहले वो याद करना तुम्हें। सबसे पहले हम लेंगे फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन,
जो हम ऑलरेडी गुडविल की कैलकुलेशन में ले चुके होंगे। तो ये कोई नई चीज नहीं है, जब हमने गुडविल निकाली होगी तो उस गुडविल के अंदर हम ये ऑलरेडी ले चुके होते हैं। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। अब ये शेयरिंग एनसीआई की होगी, तो रिटेन अर्निंग में जो हमने शेयरिंग दी थी वो पेरेंट की शेयरिंग थी, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हमने ऑलरेडी निकाला हुआ होगा, उसमें एनसीआई की शेयरिंग डाल देंगे तो ये हमारे पास बैलेंस शीट के लिए एनसीआई की फिगर आ जाएगी। एनसीआई की फिगर बैलेंस शीट में क्या होगी? सो तीन फॉर्मेट मैंने बताए हैं, एक गुडविल का फॉर्मेट बताया है, एक रिटेन अर्निंग का फॉर्मेट बताया है और एक एनसीआई का फॉर्मेट बताया है। तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करेंगे, डेटा ढूंढेंगे। अब एक एग्जाम्पल में मैं ये दोनों तीनों चीजें मिक्स करके कराता हूं। एक कंपनी है एबीसी, एबीसी ने 80% शेयर्स खरीदे, एक्स वाई जी को के ऑन 1 जनवरी 2018। सो हमारे पास अगर 50% से ज्यादा शेयर्स हम किसी कंपनी के अगर खरीदें तो वो कंपनी हमारे लिए सब्सिडरी कंपनी बन जाती है। तो हमने 80% शेयर्स खरीदे हैं तो पेरेंट के पास 80% शेयर्स आ गए और एनसीआई के पास रिमेनिंग 20% शेयर्स पड़े हुए। पेरेंट हो गया एबीसी, सब्सिडरी हो गई एक्स वाई जी को। डेट ऑफ एक्विजिशन 1 जनवरी 2018। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट पेरेंट ने की, पेरेंट ने ये 80% शेयर्स एक्वायर करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट की वो इन्वेस्टमेंट थी 600,000 की। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन वाज 1 जनवरी 2018 वाज 2,20,000। रिटेन अर्निंग ऑफ एक्स वाई जी वर एट 1 जनवरी 2018 वो थी 1,50,000 और सब्सिडरी का शेयर कैपिटल था, शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी वॉज 1 जनवरी 2018 एंड दैट वॉज 200,000। ये तो 1 जनवरी का डेटा दिया हुआ जिस डेट पे हमने इसको एक्वायर किया। एज एट 31 दिसंबर 2018 रिटेन अर्निंग ऑफ एबीसी वॉज 300,000, रिटेन अर्निंग ऑफ एक्स वाई जी वॉज 3,50,000 ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास। और इस इंफॉर्मेशन की मदद से हमें कैलकुलेट करना है, तीन चीजें कैलकुलेट करनी है, गुडविल एट एक्विजिशन 1 जनवरी 2018, कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग जो कि बैलेंस शीट में जाएगी, और बैलेंस शीट डेट है हमारी 31 दिसंबर 2018, और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जो बैलेंस शीट में जाएगा, और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी हमें कैलकुलेट करना है 31 दिसंबर 2018। अब गुडविल का फॉर्मेट, रिटेन अर्निंग का फॉर्मेट, एनसीआई का फॉर्मेट, उसको उठाते हैं और ये डेटा हमारे पास है, इस डेटा को यूज करते हुए। सो हमने 80% शेयर्स एक्वायर किए हुए, ग्रुप स्ट्रक्चर देखें,
सो ग्रुप स्ट्रक्चर पे अगर फोकस किया जाए तो हमारे पास एबीसी के पास एक्स वाई जी में कितनी इन्वेस्टमेंट है? 80% इन्वेस्टमेंट है। सो एनसीआई कितना हुआ? एनसीआई हो गया 20%। ये बन गया ग्रुप स्ट्रक्चर। उसके बाद हम निकाल लेते हैं फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन, ताकि हम गुडविल निकाल लें। और इसका तरीका मैंने ये बताया था कि अगर सब्सिडरी के नेट एसेट्स निकाल लें तो उसका शेयर कैपिटल लें, उसका शेयर प्रीमियम ढूंढें, अगर होगा तो ले लेना वरना इग्नोर कर देना। अगर कोई और उसके पास रिवैल्यूएशन वगैरह है तो वो भी ले लेंगे, लेकिन ये सारा डेटा हमें एक्विजिशन पे चाहिए क्योंकि हम एक्विजिशन पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सवाल में शेयर कैपिटल दिया हुआ है 2 लाख का, रिटेन अर्निंग दी हुई है 1,50,000 की, प्रीमियम नहीं है, 2 लाख, 1,50,000। सो इन दिस वे हमारे पास जो आंसर आ रहा है, सब्सिडरी के पास 3,50,000 के नेट एसेट्स मौजूद हैं। एग्जाम में बाज दफा ये गिवन नहीं होता रिटेन अर्निंग। सो अगर रिटेन अर्निंग गिवन नहीं होगी तो आपको रिटेन अर्निंग ढूंढनी पड़ेगी। सिंपल, अभी तो मैंने सिंपल सिंपल बता दिए कि रिटेन अर्निंग मौजूद है, सब कुछ गिवन है। तो शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग निकाली, सब्सिडरी के नेट एसेट्स आ गए 3,50,000। उसके बाद हम गुडविल का फॉर्मेट बनाएंगे, और गुडविल का फॉर्मेट बनाने के बाद हमें चाहिए गुडविल कैलकुलेट करने के लिए, ये फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए जो सवाल में दी हुई है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में ऐड करेंगे फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन, वो भी सवाल में दिया हुआ है। और उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें से डिडक्ट कर देंगे फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन, जो कि मैंने अभी ऊपर कैलकुलेट करके दिखाई है। सो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 6 लाख की, एनसीआई है 2,20,000। ये हमने फॉर्मेट में डाल दिया, 6 लाख की कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, एनसीआई है 2,20,000। दोनों को ऐड किया, ये वैल्यू बन गई 8,20,000। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एट एक्विजिशन ये आ गए यहां से 3,50,000। 3,50,000 वाली कंपनी हमने 8,20,000 देकर खरीदी, इसका मतलब है पॉजिटिव गुडविल आ रही है एट एक्विजिशन। डिफरेंस कितना होगा? 3,20,000, 3,70,000, 4,70,000, 4,70,000 की पॉजिटिव गुडविल। ये जो गुडविल है ना, ये पेरेंट और एनसीआई ने मिला के खरीदी है, तो इस गुडविल के अंदर पेरेंट का शेयर भी है और एनसीआई का शेयर भी है। हमें अलग अलग करके बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें पेरेंट का शेयर कितना है और एनसीआई का शेयर कितना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम कैलकुलेट करेंगे कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग। और इसका फॉर्मेट है, सबसे पहले हमें पेरेंट की रिटेन अर्निंग चाहिए बैलेंस शीट डेट के ऊपर। पेरेंट की रिटेन अर्निंग चाहिए बैलेंस शीट डेट के ऊपर। उसके बाद उसमें ऐड करेंगे शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट।
ये दो चीजें अगर हमें मिल जाएं तो हमें ये पता लग जाएगा कि कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग कितनी है। सो पेरेंट की रिटेन अर्निंग तो सवाल में गिवन है, पेरेंट की रिटेन अर्निंग है, एबीसी की रिटेन अर्निंग है 3 लाख। ये 3 लाख तो स्ट्रेट यहां पर हमने ले लिया। अब हमें निकालना है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। व्हाट इज पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट? सब्सिडरी के पास रिटेन अर्निंग एक्विजिशन पे कितनी थी और बैलेंस शीट डेट के ऊपर कितनी हो गई, इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, ये देख लेते हैं। तो सब्सिडरी के पास रिटेन अर्निंग एक्विजिशन पे थी 1,50,000, अब हो चुकी है 3,50,000। तो ये डिफरेंस निकल आएगा 1,50,000 और 3,50,000। रिटेन अर्निंग एट एक्विजिशन थी 1,50,000 और रिटेन अर्निंग एट बैलेंस शीट डेट हो गई है 3,50,000। तो कितना एडिशनल रिटेन अर्निंग कमाई उसने एक साल के अंदर? 2 लाख की उसने एडिशनल रिटेन अर्निंग कमाई, ये बन गया पोस्ट प्रॉफिट या पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। पूरा नहीं लेंगे पोस्ट प्रॉफिट, पोस्ट प्रॉफिट के अंदर हम पेरेंट का शेयर लेंगे। तो पोस्ट प्रॉफिट उठाओ और इसको पेरेंट के शेयर से मल्टीप्लाई कर दो। सो 1,60,000 पेरेंट का शेयर आ गया। पूरा 2 लाख इसलिए नहीं लिया क्योंकि 20% एनसीआई को देना है। सो हमारे पास बैलेंस शीट में जो कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग हम डालेंगे वो होगी 4,60,000। उसके बाद एनसीआई कैलकुलेट होगा, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। बैलेंस शीट में एनसीआई की वैल्यू, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। फॉर्मेट, फॉर्मेट के हिसाब से फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन, ये ढूंढने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। प्लस शेयर इन पोस्ट प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी, एनसीआई का शेयर, ये भी ऊपर से हम निकाल सकते हैं। तो अगर हमने गुडविल निकाली हुई है और रिटेन अर्निंग कैलकुलेट की हुई है तो फिर एनसीआई की कैलकुलेशन में कोई मसला नहीं, उन दोनों से ही डेटा पिक करके हम निकाल सकते हैं। तो गुडविल वाली कैलकुलेशन से हमने फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन निकाला 2,20,000, वो यहाँ ला के कॉपी किया। ये शॉर्टकट बता रहा हूँ, सिर्फ फॉर्मेट याद होगा तो वैल्यूज लेने में आसानी होगी। उसके बाद पोस्ट प्रॉफिट ढूंढा, पोस्ट प्रॉफिट ये रहा पोस्ट प्रॉफिट 2 लाख। तो पोस्ट प्रॉफिट अगर 2 लाख है तो उस 2 लाख को एनसीआई की परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दिया। किसकी परसेंटेज से? एनसीआई की परसेंटेज से, क्योंकि एनसीआई की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये 40,000 आपके पास पोस्ट प्रॉफिट एनसीआई का शेयर आ गया और एनसीआई टू बी रिपोर्टेड इन बैलेंस शीट 2,60,000। ये बैलेंस शीट बनाने के लिए 3 मेजर वर्किंग्स डन, गुडविल डन, रिटेन अर्निंग डन और एनसीआई डन। कोई सवाल? अब एक बैलेंस शीट बनाने का प्रोसेस, कि जब ये सारी वर्किंग हमारे पास आ जाएगी तो दो कंपनीज को मिलाकर बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। तो पहले तो मैं एक सिंपल सी बैलेंस शीट बनाऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों वाली बैलेंस शीट, जिसमें सिर्फ कंबाइन ही करना हो मुझे और कुछ ना करना हो, फिर किट के सवाल पे चलेंगे। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने का प्रोसेस, कंसोलिडेटेड एसएफपी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, दैट इज बैलेंस शीट। अब ये प्रोसेस लिख रहा हूं तुम लोगों की आसानी के लिए, कि अगर आपको पेरेंट की बैलेंस शीट दी हुई हो, सब्सिडरी की बैलेंस शीट दी हुई हो, एडिशनल डेटा दिया हुआ हो, तो आप दोनों को कंबाइन कैसे करेंगे और कंबाइन करते हुए किन बातों का ख्याल रखा जाएगा,
क्या चीज ली जाएगी, क्या चीज नहीं ली जाएगी, कौन सी वर्किंग की जाएगी, कौन सी वर्किंग नहीं की जाएगी. सो पहले तो सिंप्लीफाई क्या है, कंबाइन ऑल दी एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पेरेंट एंड सब्सिडरी. पेरेंट की बैलेंस शीट में जो एसेट्स हैं, सब्सिडरी की बैलेंस शीट में जो एसेट्स हैं, दोनों को प्लस कर देंगे 100%. पेरेंट के पास जो लायबिलिटीज हैं, सब्सिडरी के पास जो लायबिलिटीज हैं, दोनों को ऐड कर देंगे 100%. दोनों की बैलेंस शीट मर्ज हो गई. लेकिन कुछ चीजें इसके अंदर आएंगी, कुछ चीजें यहां से हटेंगी, सही है. कैलकुलेट गुडविल, गुडविल कैलकुलेट करेंगे और उस गुडविल को बैलेंस शीट में शो कर देंगे. शो इट एज इंटेंजिबल एसेट, अगर पॉजिटिव गुडविल हुई तो गुडविल कैलकुलेट होके कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में एसेट साइड के ऊपर चली जाएगी. ये ऊपर जो वर्किंग हमने की हुई है उस वर्किंग से आ जाएंगे, सही है. पेरेंट की बैलेंस शीट में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दी हुई होगी, उसको हटा देंगे. इग्नोर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो नहीं लेंगे. इन्वेस्टमेंट इन पेरेंट्स बुक, पेरेंट की बैलेंस शीट में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखी भी होगी, वो हटानी है. अच्छा जी, उसके बाद शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम जो बैलेंस शीट में मौजूद होगा वो सिर्फ पेरेंट कंपनी का लेना है, सब्सिडरी का नहीं लेना कंबाइन करते वक्त, इस बात का ख्याल रखना है. कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग की वर्किंग करनी पड़ेगी. वो आप कैलकुलेट करके लेके जाएंगे. एनसीआई इज टू बी कैलकुलेटेड, ये बैलेंस शीट में कैलकुलेट करके पोस्ट करेंगे एनसीआई. और उसके बाद इलिमिनेट इंटर कंपनी बैलेंसेस, ये अभी हमने नहीं किया तो इसको अभी फिलहाल मैं डिस्कस भी नहीं कर रहा. इलिमिनेट इंटर कंपनी बैलेंसेस. सो ये बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको ये स्ट्रेट ये कुछ स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स फॉलो करने. लेकिन स्टेप फॉलो करने से पहले गुडविल की कैलकुलेशन, एनसीआई की कैलकुलेशन, रिटेन अर्निंग की कैलकुलेशन, ये आनी जरूरी है. उसके बाद बैलेंस शीट बनाना कोई मसले वाली बात नहीं है, जस्ट टिक 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 आराम से बन सकती है. अब एक सिंपल सी बैलेंस शीट पहले इंडिविजुअल की बनाता हूं और फिर इंडिविजुअल को कैसे हम कंबाइन करेंगे उसको उस हिसाब से देखेंगे. आपको एक अदद मैं बैलेंस शीट दे रहा हूं, एस एफ पी 31 दिसंबर 2020. पेरेंट कंपनी है ए, सब्सिडरी कंपनी है बी. इनकी इंडिविजुअल बैलेंस शीट बना लूं, सिंपल सी बनाऊंगा, बिल्कुल सिंपल सी, नथिंग एडवेंचरस. सबसे पहले हमने ले लिए नॉन करंट एसेट्स. तो नॉन करंट एसेट पेरेंट के पास हैं 1000 के, थाउजेंड्स में डेटा ले रहा हूं, थाउजेंड्स में डेटा लेने के 1 मिलियन है लेकिन लिखा मैंने थाउजेंड में इस तरह से, और ये आ गए 500. पेरेंट के पास 1000 के एसेट्स हैं और सब्सिडरी के पास 500 के. पेरेंट के पास इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, इन्वेस्टमेंट है 300 या नील. और उसके बाद करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं यहाँ पर 200 के, यहाँ पर हैं 100 के.
और इस तरह पेरेंट की इंडिविजुअल बैलेंस शीट में 1500 के एसेट्स मौजूद हैं और उसके पास 600 के एसेट्स मौजूद हैं। ये इंडिविजुअल बैलेंस शीट का एसेट साइड हो गया। एसेट साइड के बाद उसके पास पेरेंट के पास शेयर कैपिटल है 500 का, उसके पास शेयर कैपिटल है 200 का, इसके पास रिटेन अर्निंग पड़ी हुई है पेरेंट की बैलेंस शीट में 500 की रिटेन अर्निंग पड़ी हुई है, इसके पास 100 की रिटेन अर्निंग पड़ी हुई है। टोटल आपकी इक्विटी आ गई 1000, इसकी इक्विटी आ गई 300, इसके पास नॉन करंट लायबिलिटी पड़ी हुई है 300 की, इसके पास नॉन करंट लायबिलिटी पड़ी हुई है 100 की, उसके बाद आ गई करंट लायबिलिटी 200 की, करंट लायबिलिटी और 200 की करंट लायबिलिटी। सो इसकी इक्विटी और लायबिलिटी साइड पर आ गए 1500, इसकी इक्विटी या लायबिलिटी साइड आ गई, तो ये आ गई आपके बैलेंस शीट की टोटल एसेट्स इंडिविजुअल, और ये आ गई इंडिविजुअल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। बैलेंस शीट बराबर हो रही है। पेरेंट की बैलेंस शीट देखे हैं, 1500 के टोटल एसेट्स हैं, 1500 की टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज हैं, बराबर 600, और ये भी बराबर। ये तो आगे, ये तो सवाल है। सवाल में इस तरह से आपको दो कंपनीज की बैलेंस शीट दी जाएंगी और आपको कहा जाएगा इसको कॉन्सोलिडेट करो, मिलाओ आपस में और एक बनाओ ग्रुप की। तो उसके लिए मुझे डेटा चाहिए। बैलेंस शीट डेट है 31 दिसंबर 2020। सो मुझे ये पता होना चाहिए कि ए ने बी को कब एक्वायर किया, कितनी परसेंटेज एक्वायर की, एनसीआई कितना है, गुडविल कितनी है, तो उसके लिए मैं वर्किंग करता हूँ। सो मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को इस सवाल के साथ मिक्स करके हम एक कंप्लीट बैलेंस शीट बनाना सीख जाएंगे। अच्छा जी, ए ने बी को एक्वायर किया था ऑन 1 जनवरी 2020 एट अ कॉस्ट ऑफ, जो कि ऊपर लिखी हुई है, 300,000 डॉलर्स, व्हेन रिटेन अर्निंग ऑफ बी वाज, रिटेन अर्निंग ऑफ बी वाज 50,000 डॉलर्स एंड फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई वाज, अच्छा परसेंटेज तो मैंने लिखी नहीं इसके अंदर, परसेंटेज भी लिख देते हैं, वाज 1,20,000 डॉलर। ए एक्वायर्ड 80% ऑफ बी, ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास प्रिपेयर, और इस इंफॉर्मेशन से हम पूरी बैलेंस शीट बनाएंगे। प्रिपेयर कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट, कॉन्सोलिडेटेड SFP एज एट 31 दिसंबर 2020। अच्छा, अब मैं अगर इन दोनों बैलेंस शीट को सिंपली मर्ज कर दूं ना, तो उसमें ये सारे स्टेप्स फॉलो नहीं हो रहे होंगे। कंबाइन ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, पहले मुझे कुछ वर्किंग करनी पड़ेंगी। पहले मुझे देखना पड़ेगा कि ग्रुप स्ट्रक्चर क्या है, गुडविल कितनी है, रिटेन अर्निंग कितनी है, एनसीआई कितनी है, जो नेसेसरी वर्किंग है ना, पहले मैं वो वर्किंग कर लेता हूँ, और वर्किंग करने के बाद फिर मुझे दोनों को मर्ज करने में आसानी होगी। क्या चीज़ लेनी है, क्या चीज़ हटानी है, उसमें आसानी हो जाएगी। तो ये मेरा डेटा है और इस डेटा से पहले मैं गुडविल निकालूंगा, उसके बाद रिटेन अर्निंग निकालूंगा और उसके बाद एनसीआई निकालूंगा। तो बैलेंस शीट बनाने से पहले जब तक ये तीनों चीजें क्लियर ना हो जाएं, बैलेंस शीट बनाने के लिए कोशिश भी नहीं करनी। सो आप देखते हैं, ए ने बी को एक्वायर किया है 80% ऑफ शेयर्स, एनसीआई 20% होगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 300,000, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई दी हुई है, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स हम निकाल लेंगे, तो हम उसकी गुडविल वर्कआउट करते हैं।
गुडविल निकालने से पहले हम देखते हैं इसका ग्रुप स्ट्रक्चर क्या है। ग्रुप स्ट्रक्चर बोलें तो ए ने बी के 80% शेयर्स एक्वायर किए, सो एनसीआई की होल्डिंग कितनी हो गई? एनसीआई हो गया 20%। ये हो गया ग्रुप स्ट्रक्चर। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दी हुई है, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन दिया हुआ है, तो अगला जो काम होगा वो आइडेंटिफाई करना होगा फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एट एक्विजिशन। सब्सिडरी के फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एट एक्विजिशन, तो फॉर्मेट क्या था इसका? सब्सिडरी का शेयर कैपिटल चाहिए, सब्सिडरी का प्रीमियम सवाल में है नहीं, सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग चाहिए, ये दो चीजें हमें सवाल में ढूंढनी है। लेकिन ये बात जहन में रहे कि किस डेट पे ढूंढनी है, एक्विजिशन पे ढूंढनी है, बैलेंस शीट पे नहीं ढूंढनी, क्योंकि गुडविल एट एक्विजिशन निकलती है। तो सब्सिडरी का जो शेयर कैपिटल है, आपको एग्जाम में सब्सिडरी का शेयर कैपिटल एक्विजिशन और बैलेंस शीट डेट वाला सेम दिया जाता है हमेशा, ऑलवेज। सो 200 का शेयर कैपिटल हमने सब्सिडरी का उठा लिया, ये हमेशा सेम रहेगा, एक्विजिशन पे भी सेम रहेगा और रिपोर्टिंग डेट पे भी सेम रहेगा। अच्छा जी, अब सवाल में मुझे ढूंढना है कि रिटेन अर्निंग और सब्सिडरी एट एक्विजिशन क्या गिवन है। सो रिटेन अर्निंग बैलेंस शीट में जो गिवन है वो तो रिपोर्टिंग डेट की है, एक्विजिशन के ऊपर मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मिलेगी। सो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मैंने ढूंढना किया, ढूंढने गया सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग एट एक्विजिशन, तो मुझे नजर आई ये रही सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग एट एक्विजिशन कितनी है? 50,000। तो ये 50,000 मैंने यहाँ पर ये ले लिया, 50 ले लिया ना, ताकि 1,000 में डेटा रहे। सो नेट एसेट्स आ गए 250। ग्रुप स्ट्रक्चर बन गया, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स आ गए। नेक्स्ट स्टेप होगा टू कंस्ट्रक्ट गुडविल, गुडविल निकालें। गुडविल निकालने के लिए आई नीड अ फॉर्मेट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय पेरेंट कंपनी, जो कि उसकी बैलेंस शीट से भी मिल सकती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन से भी मिल सकती है। इसमें प्लस करूंगा फेयर वैल्यू ऑफ एन सी आई एट एक्विजिशन, ये ढूंढूंगा सवाल में, दी भी होगी हमेशा, और जो आंसर आएगा उसमें से माइनस कर दूंगा फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एट एक्विजिशन। ये कैलकुलेट करने पड़ेंगे और ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखे हुए हैं। अब ढूंढते हैं तीनों चीजें। तो ए ने बी को एक्वायर करते वक्त 3 लाख की इन्वेस्टमेंट की थी, तो हमने 3 लाख की इन्वेस्टमेंट ले ली, थाउजेंड्स के अंदर मैं डेटा ले रहा हूं, तो थाउजेंड्स में डेटा लेने का मतलब 3 लाख को मैंने 300 लिख दिया। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन सवाल में दिया हुआ था 1,20,000, ये मैंने 1,20,000 ले लिया, और दोनों की इन्वेस्टमेंट कंबाइंड टुगेदर 420 हो गई। अब 420 की इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट कितने नेट एसेट्स पड़े हुए हैं सब्सिडरी के पास? तो नेट एसेट्स पड़े हुए हैं 250 के। सो 250 के नेट एसेट्स को इन दोनों ने 420 में खरीदा, एक्सेस अमाउंट आ गया पॉजिटिव गुडविल जो कि बैलेंस शीट में जाएगी। नेगेटिव आएगी तो बैलेंस शीट में नहीं जाएगी, पॉजिटिव आएगी तो बैलेंस शीट में जाएगी, और 420 में से 250 माइनस किया तो आपके पास आंसर आता है 170। 170 पॉजिटिव आंसर आ रहा है, पॉजिटिव गुडविल, एक्सेस अमाउंट, एक्सेस ओवर नेट एसेट्स, ये बैलेंस शीट में जाएगी, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में जाएगी एज एन इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट, ये भी मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। चले जी, गुडविल आ गई,
गुडविल निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप व्हाट? टू कैलकुलेट कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग। कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग हम हमेशा बैलेंस शीट डेट के ऊपर निकालते हैं, रिपोर्टिंग डेट के ऊपर निकालते हैं, बैलेंस शीट डेट के ऊपर। और इसका फॉर्मेट क्या कहता है? इसका फॉर्मेट ये कहता है कि पहले आप बैलेंस शीट से पेरेंट की रिटेन अर्निंग लें, उसके बाद उसके अंदर ऐड कर दें शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी। एक बात जरा आप तुम लोग बताओ, तुम्हारा F1, F2, F3, तो F3 तो मैं पढ़ा रहा हूँ जो टॉपिक रह गया, F1 और F2 का कोई फिक्स स्केड्यूल है तुम लोगों का? अगर है तो मुझे जरा कमेंट के अंदर मैसेज कर दो चैट के अंदर कि तुम्हारी क्लास कब होती है, कुछ अता पता है कुछ टाइम का, कब क्लास होती है F2 और F1 की? सिर्फ F2 F1 की डे और टाइमिंग, क्योंकि तुम लोगों की क्लासेस के बड़े मसले हैं, टाइमिंग के बड़े मसले हैं। क्या मतलब नहीं, कुछ भी पता नहीं होता, यानी कि तुम्हारा जो है ना वो एक दो दिन पहले ही तुम्हें बता दिया जाता है कि जी आज क्लास होगी आज क्लास नहीं होगी, ऐसा क्यों है? सर एक दो दिन पहले नहीं सर, मतलब समझ लेंगे अगले दिन क्लास है और रात को पता चलता है कि टाइमिंग्स क्या होंगे और किस किस की क्लास है, ऐसा क्यों है सर? ये तो अब मैनेजमेंट का वो है, आप उसमें क्या कर सकते हैं। नहीं जब फिजिकल क्लासेस हो रही थी तब भी ऐसे ही चलता था तुम्हारा, या पहले स्केड्यूल फिक्स था, वो ऑनलाइन में मसला है? नहीं सर सिर्फ ऑनलाइन में मसला आ रहा है, फिजिकल क्लास में तो हमें पता होता है किस दिन क्लास होगी किस दिन क्लास नहीं होगी, लेकिन ऑनलाइन क्लास में बहुत ज्यादा ये सब प्रॉब्लम है कि पता नहीं होता किस दिन क्लास होगी। सही है, ठीक है। चले बस मुझे वो एक बात पूछनी थी, मैंने पूछ ली, फाइन इनफ। अब पेरेंट की रिटेन अर्निंग ढूंढे जी बैलेंस शीट से, तो पेरेंट की रिटेन अर्निंग बैलेंस शीट में गए, बैलेंस शीट कहाँ है? पेरेंट की रिटेन अर्निंग नजर आ रही है, पेरेंट की रिटेन अर्निंग है, पेरेंट की बैलेंस शीट में गए, पेरेंट की रिटेन अर्निंग ढूंढी, ये रही पेरेंट की रिटेन अर्निंग, पेरेंट की रिटेन अर्निंग है 500 उठाया, यहाँ फॉर्मेट में डाल दिया, यही सबसे बड़ा मसला होता है, स्टूडेंट को ढूंढना पड़ता है कौन सी चीज कहाँ पड़ी हुई है। अगर ये सही तरीके से फॉर्मेट और उसको ढूंढने का प्रोसेस समझ में आ जाए सो कंसोलिडेशन इज अ पीस ऑफ केक, वरना मुश्किल। अच्छा जी, उसके बाद पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, मैं बार बार है ना जान बूझ कर ना स्लोली बता रहा हूँ यार ये है क्या, वॉट इज पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, difference between subsidiaries retained earning at acquisition and at reporting date. So ढूंढते हैं acquisition पे retained earning कितनी थी, acquisition पे retained earning थी 50,000 और reporting date के ऊपर retained earning है 1,00,000, 50 और 100 का difference. So 50 और 100 का जो difference आएगा retained earning at acquisition और रिटेन अर्निंग एट रिपोर्टिंग डेट, 50 और 100 का डिफरेंस, तो कितना होगा पोस्ट प्रॉफिट, कितना होगा 50 और 100 का डिफरेंस, 50 × पेरेंट्स शेयर, पेरेंट शेयर्स बनता है 80%, तो पोस्ट प्रॉफिट आया 50 और अच्छा इसमें माइनस प्लस का चक्कर आता है ना, तो उसका तरीका ये होता है अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि रिटेन अर्निंग एट एंड लें आप और रिटेन अर्निंग एट एक्विजिशन लें, डिफरेंस निकालें और डिफरेंस को पेरेंट की परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दें, तो पेरेंट का शेयर आ गया 50 में 40, तो ये टोटल हो गया 540, ये बैलेंस शीट में रिपोर्ट हो जाएगा, ये कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग आ गए। स्क्रीन शो रही है तुम्हारे सामने? थोड़ा सा इंटरनेट जरा आगे पीछे हुआ है, 2 मिनट दो, लेट मी जस्ट चेक,
2 मिनट वेट। सवाल में अब हमें नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट NCI अच्छा टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट ना जो अभी हम पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा, स्टूडेंट को मैं यही कहता हूँ कि इस टॉपिक में ना आपको जल्दी नहीं करनी ना, एक एक चीज पे काम करते जाओ आहिस्ता आहिस्ता ना, वन बाय वन ना। पहले गुडविल कैलकुलेट करना सीखो परफेक्शन के साथ, जब गुडविल कैलकुलेट करना आ जाए तो फिर आप रिटेन अर्निंग सीखो, जब रिटेन अर्निंग सीखनी आ जाए तो फिर NCI सीखो, फिर सिस्टमेटिकली एक सिंपल बैलेंस शीट बनाओ, फिर जो आगे मैं एडजस्टमेंट्स बताऊंगा वो सीखो, फिर एक कॉम्प्लिकेटेड बैलेंस शीट जो है जो एग्जाम स्टैंडर्ड की आती है किट से, वो 2-3 सवाल उसके प्रैक्टिस करो बार बार। जब बैलेंस शीट का हाथ साफ हो जाए, जब आप श्योर हो जाओ कि यार अब मैं बैलेंस शीट की हर चीज समझ गया, मुझे टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई, NCI क्या होता है, गुडविल क्या होती है, फिर आप उसका इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। और इनकम स्टेटमेंट कंपैरेटिवली बैलेंस शीट से आसान होता है, और इस लेवल पे F3 में आपकी बेसिक बैलेंस शीट है, बेसिक इनकम स्टेटमेंट है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। इसलिए 15 नंबर का जो सवाल आएगा अगर वो पूरा कंसोलिडेशन पे आ गया, मसला ही नहीं है। अगर एग्जामिनर ने उसमें रेशियोज मिला दी तो रेशियोज भी तुम लोग कर चुके हैं, वो भी कोई मसला नहीं है। सो अगर तुम वो 15 नंबर जरा सही तरीके से तमीज से कर लो, तो MCQs में तुमने बैड डेट्स पढ़ा, बैंक रिकंसिलेशन पढ़ा, डेप्रिसिएशन, एरर्स, पेटी कैश, ये वो, वैट, सेल्स टैक्स, एक 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 MCQs पूरे सिलेबस में से घूम फिर के कहीं ना कहीं याद आते, सिंगल एंट्री आ गई, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स आ गया, रेशो, कंपनी, कैश फ्लो, सबके MCQs मिलाकर तुम जो ना इंशाल्लाह पेपर पहली अटेम्प्ट में निकालने में कामयाब हो जाओगे। रुकता नहीं है पेपर नॉर्मली, इतना कोई मुश्किल पेपर नहीं है। फेयर वैल्यू ऑफ NCI एट एक्विजिशन, सो ये मैंने ऊपर गुडविल की वर्किंग में से फाइंड आउट किया 120, ये 120 लिया, और इसमें NCI का शेयर ले लिया, शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। अक्सर जो स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम होती है ना इस टॉपिक के अंदर, वो टर्मिनोलॉजीज क्लियर नहीं कर पा रहे होते, पेरेंट कौन है, सब्सिडरी कौन है, नेट एसेट्स क्या है, पोस्ट एक्विजिशन क्या है, तो वो टर्मिनोलॉजीज जब क्लियर नहीं होती और आपके सामने एक पूरी किट में 15 नंबर का सवाल सामने आता है तो स्टूडेंट पैनिक हो जाता है, उन्हें लगता है कि यार ये तो बहुत मुश्किल टॉपिक है। हालांकि है मुश्किल टॉपिक, लेकिन अगर आप एक अप्रोच से चलो ना तो वेरी वेरी इजी टॉपिक। सो ऊपर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट था 50 का, 80% पेरेंट का शेयर था, तो उसी के अंदर नीचे 100 माइनस 50 और NCI का शेयर दे दिया हमने 20%, वही वर्किंग ऊपर से जो ना ये वाली वर्किंग, ये मैंने कॉपी की, सिर्फ परसेंटेज हटा दी, परसेंटेज 80 की जगह 20 कर दिया, तो NCI को शेयर चला गया 10 और NCI की वैल्यू आ गई 130। तो NCI निकालना कोई मुश्किल काम नहीं, अगर गुडविल और रिटेन अर्निंग आपने सही निकाल के ऊपर रखी हुई है तो NCI उसी में से हम डेटा एक्सट्रैक्ट करके NCI कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब मेरे पास गुडविल मौजूद है 170 की, रिटेन अर्निंग है 540 की, NCI है 130 का, और मैं ये स्टेप्स फॉलो करूंगा, ये वाले स्टेप्स फॉलो करूंगा और आपको एक अदद बैलेंस शीट बना के इसको टाई करके दिखाऊंगा कि मेरी बैलेंस शीट कैसे टाई हुई। ये है सिंगल कंपनी बैलेंस शीट ए की और बी की, अब हम इसे कंबाइन करेंगे, कंबाइन करते हुए क्या चीज लेंगे क्या चीज छोड़ेंगे इस बात का ख्याल रखना, सही है। कंबाइन ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ पेरेंट एंड सब्सिडरी, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ पेरेंट एंड सब्सिडरी, ठीक है। तो इस प्रोसेस से हम कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं, कॉन्सोलिडेटेड SFP एज एट 31st दिसंबर 2020 था 2020। अच्छा जी, सबसे पहले आ जाएं आप नॉन करंट एसेट्स जो दिए हुए थे उसका क्या करें,
तो कंबाइन कर देते हैं पेरेंट प्लस सब्सिडरी को। पेरेंट के पास कितने हैं? 1000, सब्सिडरी के पास हैं 1500। कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है फिलहाल। 1000 प्लस 500, 1500। चाहे पेरेंट ने 70% शेयर्स खरीदे हों या 80% खरीदे हों या 90% खरीदे हों या 100% खरीदे हों, हमेशा पेरेंट प्लस सब्सिडरी कंबाइन टुगेदर। तो ये आ गए कॉन्सोलिडेटेड आपके नॉन करंट एसेट्स आ गए। उसके बाद इसके अंदर गुडविल लेकर आ जाए। गुडविल कहां से आएगी? गुडविल बैलेंस शीट में तो नहीं दी हुई गुडविल, ये हमने वर्किंग नोट वन जो वर्किंग की थी गुडविल की, ये वर्किंग उठाई और 170 की गुडविल यहाँ लाकर पोस्ट कर दी। ये एडिशनल आइटम आ गया जो कि ओरिजिनल बैलेंस शीट में कभी भी नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद ये देखें, इंडिविजुअल बैलेंस शीट में एक चीज लिखी हुई है इन्वेस्टमेंट। ये जो इन्वेस्टमेंट है ना इंडिविजुअल बैलेंस शीट में, ये हटा देंगे, ये नहीं लेंगे। इसको हटा दें, इसको इग्नोर मारें, ये हटा दें। उसके बाद करंट एसेट्स ले लें। करंट एसेट्स भी नॉन करंट एसेट्स की तरह कंबाइन कर दें दोनों के। सो करंट एसेट्स कितने थे? करंट एसेट्स से 200 और 100। सो ये 200 प्लस 100 कितने हो गए? 300 प्लस कर दें। ये बन गई आपकी कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट की एसेट साइड। नॉन करंट एसेट्स कंबाइन कर दिए, करंट एसेट्स कंबाइन कर दिए, गुडविल ले ली, इन्वेस्टमेंट हटा दी, 1500 और 300, 1800, 1970। तो एसेट साइड ग्रुप की आ गई 1970, दिस इज टोटल एसेट्स। तो आपकी लायबिलिटी और इक्विटी इक्विटी साइड का आंसर भी 1970 ही आना चाहिए। इन्वेस्टमेंट मैंने क्यों हटाई है उसका रीजन बताऊंगा क्यों हटाई है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं लेंगे। जो पेरेंट ने इन्वेस्टमेंट की वो अगर आप ले लेंगे तो गलती हो जाएगी, उसको हटाना है। उसके बाद आ गए आप इक्विटी साइड के ऊपर। इक्विटी साइड के ऊपर सबसे पहला आइटम शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल सिर्फ पेरेंट कंपनी का लेंगे, पेरेंट प्लस सब्सिडरी नहीं करेंगे यहाँ पर। तो पेरेंट कंपनी का शेयर कैपिटल 500 दिया हुआ है, ये 500 आपने यहां पर ले लिया। यहां मैं लिख देता हूं समझाने के लिए, पेरेंट्स ओनली। सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि सिर्फ पेरेंट कंपनी का लेंगे, पेरेंट प्लस सब्सिडरी नहीं करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद आ गई रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग वर्किंग से लेकर आएंगे, जो सवाल में दी हुई है वो नहीं लेंगे। जो हमने रिटेन अर्निंग कॉन्सोलिडेटेड की वर्किंग की थी उस वर्किंग का आंसर उठाया 540, और ये 540 इसके अंदर ऐड कर दिया और ये हो गया 1040। शेयर कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग, प्रीमियम होता तो पेरेंट का ले लेते। तो ये पेरेंट का शेयर कैपिटल और कॉन्सोलिडेटेड रिटेन अर्निंग आ गई 1040। अब इसके अंदर एनसीआई ऐड करेंगे। एनसीआई की पोजीशन क्या है? एनसीआई इक्विटी का पार्ट है, तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ये कहां से आएगा? वर्किंग से आएगा। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वर्किंग नंबर 3, 1040 वर्किंग नंबर 3, 130 1170 1170। शेयर कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग प्लस एनसीआई, ये आ गई टोटल इक्विटी साइड। अब इसके अंदर आ जाएगी नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी कंबाइन हो जाएगी, नॉन करंट लायबिलिटीज। सो नॉन करंट लायबिलिटीज पेरेंट प्लस सब्सिडरी, सवाल में गए 300 प्लस 100, सो 300 प्लस 100 400। उसके बाद करंट लायबिलिटीज पेरेंट प्लस सब्सिडरी, फिर सवाल उठाया 200 प्लस 200 400। कंबाइन टुगेदर दोनों को प्लस करें,
टोटल इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज कितनी आ गई 800-900 और ये हो गई 1970। एसेट साइड कितनी थी 1970, लाइबिलिटी एंड इक्विटी साइड कितनी आ गई 1970। डन, बैलेंस शीट टाई। आसान है मुश्किल है? मैंने रिकॉर्डिंग ही रिज्यूम नहीं की हुई थी अनफॉर्चुनेटली, ये हमारा शायद ये रिटेन अर्निंग वाला एडजस्टिंग एंट्री वाला पार्ट जो रिकॉर्ड नहीं हुआ। एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, कुछ करते हैं। अच्छा, ये जो मुझे नहीं पता, ये जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की हमने एंट्री पास की है ना, इसकी शायद रिकॉर्डिंग आगे पीछे मेरे ख्याल से हुई नहीं ना। अगर नहीं हुई होगी तो मैं सेपरेट क्लिप आपको शेयर कर दूंगा, देखेंगे वो तो। रिकॉर्डिंग एंड होगी तो पता लगेगा। जो तुम लाइव क्लास ले रहे हो, तुम लोगों ने तो, दो लोगों ने तो ये बात अच्छी तरह से समझ ली कि ये किस तरीके से होती है। बाकी लोग फिर उनको हम कंपनसेट कर देंगे ये क्लिप देखे ना। खैर, अब ये तो रिकॉर्ड हो रहा है। सो अब देखें, ए ने बी को गुड्स बेचे 5 लाख के, सेलिंग प्राइस 5 लाख है, कॉस्ट कितनी है, सेलिंग प्राइस है 5 लाख। ये अक्सर हो जाता है जब मैं किसी वजह से पॉज करता हूं ना, बाद में रिज्यूम करना भूल जाता हूं। कॉस्ट थी 2 लाख की, सही है। 2 लाख वाले गुड्स 5 लाख में बेचे, कितना प्रॉफिट बनाया, प्रॉफिट बनाया 3 लाख का। पेरेंट ने बेचे, 3 लाख का प्रॉफिट कमाया। क्या ये गुड्स बी के पास हैं या बी ने आगे किसी थर्ड पार्टी को बेच दिए? सो लिखा हुआ है ऑल द गुड्स आर इन स्टॉक ऑफ बी। इसका मतलब है ये पूरा का पूरा प्रॉफिट क्या हो गया, ये पूरा का पूरा प्रॉफिट क्या कहलाएगा, इट्स एन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रॉफिट जायज नहीं है, ये अलाउड नहीं है, बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं हो सकता, इसको हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टू रिमूव अनरियलाइज्ड प्रॉफिट फ्रॉम द बुक्स। पेरेंट ने भी रिकॉर्ड किया हुआ है, सब्सिडरी ने भी रिकॉर्ड किया हुआ, तो जिसने जहां रिकॉर्ड किया हुआ उसको हटाना पड़ेगा। तो इसको रिमूव करने की एंट्री पास करनी पड़ेगी। कौन सेलर है, हु इज द सेलर, देखेंगे हु इज द सेलर कंपनी। तो सेलर कौन है मेरी वाली एग्जाम्पल में, सेलर है पेरेंट कंपनी। तो प्रॉफिट 3 लाख का हटाना है तो हम एंट्री पास करेंगे कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग डेबिट, रिटेन अर्निंग को डेबिट करेंगे 3 लाख से, 3 लाख से रिटेन अर्निंग डेबिट हुई और स्टॉक को 3 लाख से क्रेडिट कर दिए। तो इसके दो अफेक्ट आएंगे, एक अफेक्ट रिटेन अर्निंग को हिट करेगा और दूसरा अफेक्ट आपका स्टॉक को हिट करेगा क्योंकि पेरेंट सेलर है। और इसी एग्जाम्पल में अगर सेलर कौन होता, बी होता, तो एज्यूमिंग सेलर वॉज सब्सिडरी, सब्सिडरी ने पेरेंट को सेल किए होते तो क्या होता, तो अब एंट्री चेंज हो जाती, रिटेन अर्निंग डेबिट। सिर्फ इतना ऐसा तो फर्क है, एंट्री का फर्क है, रिटेन अर्निंग डेबिट और एनसीआई आ जाता और स्टॉक तो क्रेडिट हो गई होगा, स्टॉक पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रिटेन अर्निंग प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी थी, 3 लाख प्रॉफिट था, पेरेंट की परसेंटेज थी 70%। सो 3 लाख के प्रॉफिट को पेरेंट की शेयरिंग से मल्टीप्लाई कर देते 70% से, पेरेंट को 2,10,000 से चार्ज करते, एनसीआई को रिमेनिंग 30% से चार्ज करते, तो ये हो गया 90,000 और टोटल प्रॉफिट हो गया स्टॉक क्रेडिट बाय अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 3 लाख। तो ये चीज अच्छी तरह से क्लियर कर लें कि आपकी जो एंट्री है वो इस बात पे डिपेंडेंट है कि सेलर कौन है, पेरेंट कंपनी सेलर है या सब्सिडरी कंपनी सेलर है। और इस बात को भी ध्यान में रखना है कि बेचने वाला जो है उसने आगे गुड्स बेचे या आगे गुड्स नहीं बेचे। अनदर एग्जांपल, ए एक्वायर्ड 90% शेयर्स ऑफ बी
on 1st January 2014 after acquisition. चेक करें मैं इसमें सेलर किसको बना रहा हूं. आफ्टर एक्विजिशन बी सोल्ड गुड्स टू ए एट अ प्राइस ऑफ, प्राइस बोले तो सेलिंग प्राइस, एट अ प्राइस ऑफ 3,50,000. कॉस्ट ऑफ गुड्स to B was 100,000. B के लिए goods की cost थी 100,000. उसने बेच दिए 3,50,000 के. फिफ्टी परसेंट ऑफ द गुड्स वर इन स्टॉक ऑफ A. अब मैंने क्या किया कि बी ने ए को गुड्स बेचे, ए ने आगे गुड्स बेच दिए, 50% आगे बेच दिए. अब क्या करें, कैलकुलेट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड पास. अच्छा, कंसोलिडेशन में इतनी ज्यादा जर्नल एंट्रीज तो है ही नहीं ना, तो एक बड़ा आसान सा तरीका है, कंफ्यूजन से बचने का तरीका है कि हार्डली कुछ जर्नल एंट्रीज है ना, तो कंफ्यूजन से बचने का तरीका है कि आप इसकी जो दो जर्नल एंट्रीज है ना उसको रट्टा मार लो. पेरेंट बेचेगा तो ये एंट्री पास होगी सप्ताह के, बाकी आपका दिमाग जो है ना दूसरी चीजों पे फोकस करें, ये एंट्री में फंसने की जरूरत नहीं है. फौरन से क्लिक हो जानी चाहिए कि पेरेंट ने बेचा ये एंट्री पास होगी और सब्सिडियरी ने बेचा तो ये एंट्री पास होगी. सही है, ऐसे मैं रट्टाफिकेशन के फेवर में नहीं हूं लेकिन ऐसे जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग लाइफ इजी आप उसको बनाएं. सो अब देखें कॉस्ट कितनी थी, पेरेंट ने गुड्स बेचे तो उसके लिए कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट थी 1,00,000 और पेरेंट ने कितनी प्राइस के ऊपर गुड्स बेच दिए, 3,50,000 रुपए. कितना प्रॉफिट बनाया पेरेंट, सॉरी सब्सिडरी ने, सब्सिडरी ने बेचा है, सब्सिडरी ने 2,50,000 का प्रॉफिट बनाया. क्या ये 2,50,000 पूरा का पूरा अनरियलाइज है? ये इस बात पे डिपेंड करता है कि खरीदने वाले ने गुड्स आगे बेचे या नहीं बेचे. खरीदने वाले ने 50% गुड्स आगे भेज दिए तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, अब ये पूरा अनरियलाइज्ड नहीं होगा. अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना होगा, इस प्रॉफिट का हाफ, 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 50%, 1,25,000 का जो प्रॉफिट होगा उसको हम कहेंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट. क्योंकि प्रॉफिट जब गुड्स किसी थर्ड कंपनी को बेच दिए तो प्रॉफिट ग्रुप से बाहर निकल के रियलाइज हो जाता है. तो हमें रियलाइज की एंट्री नहीं पास करनी, हमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की एंट्री पास करनी है कि इतना अभी गुड्स स्टॉक ग्रुप में मौजूद है 1,25,000. सेलर कौन है, मेरी एग्जाम्पल में सेलर कौन है, सेलर है सब्सिडरी. तो जब सब्सिडरी सेलर है तो इस 1,25,000 का 90% पेरेंट को जाएगा, कितना होता है 90%, और 1,25,000 का 10% एनसीआई को जाएगा, 12,500 10%. सो 12,500 तो 90% फिर बनेगा 1,12,500. आई गेस, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. तो ये दोनों की शेयरिंग आ गई, इस शेयरिंग के हिसाब से मैंने एंट्री पास करनी है रिटेन अर्निंग डेबिट, 1,25,000 का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय पेरेंट्स शेयर, दैट बिकम्स 1,12,500 एनसीआई डेबिट. क्यों, क्योंकि सेलर सब्सिडरी है. 1,25,000 का प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 10% इज इक्वल टू 12,500, और स्टॉक तो हमेशा क्रेडिट होगा फुल वैल्यू से, एंड स्टॉक क्रेडिट बाय 1,25,000. 2,50,000 का प्रॉफिट था लेकिन एंट्री 1,25,000 से क्यों पास की, क्योंकि आधा प्रॉफिट रियलाइज हो गया और आधा प्रॉफिट जो है वो अनरियलाइज्ड फॉर्म में पड़ा हुआ. अच्छा, एग्जाम में ना सिर्फ तुम्हें बना के प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा, बड़ा मसला है. एग्जाम में प्रॉफिट देने के बजाय वो आपको कहेगा प्रॉफिट खुद कैलकुलेट करो यूजिंग मार्कअप एंड मार्जिन. मार्कअप मार्जिन पढ़ा तुम लोगों ने,
मार्का मार्जिन भी स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज रहते हैं मार्का मार्जिन में, हालांकि आसान है लेकिन स्टूडेंट इसको भी रट्टा मार के जो ना कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि मार्कअप क्या होता है मार्जिन क्या होता है। तुम लोगों को आइडिया है मार्कअप मार्जिन का दोनों को? व्हाट इज मार्कअप, व्हाट इज मार्जिन? क्योंकि वो आपको ये बताएगा पेरेंट ने इतने मार्कअप पे बेचा, सब्सिडी ने इतने मार्कअप पे या मार्जिन पे बेचा, तो प्रॉफिट पहले निकालना पड़ेगा। सर मार्कअप जो है ना वो कॉस्ट पे चार्ज होता है और मार्जिन जो है वो सेल्स पे चार्ज होता है। ठीक है, इसका मतलब है अगर मैं मार्कअप दे दूं तो तुम प्रॉफिट निकाल लोगे, मार्जिन दे दूं तो प्रॉफिट निकाल लोगे। प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट और मार्जिन इज, ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का टॉपिक है। प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स बाय डेफिनेशन, तो ये ठीक बात बताई तुमने कि मार्कअप जो है वो प्रॉफिट परसेंटेज बताया जाता है जो कि कॉस्ट से मल्टीप्लाई होती है, और मार्जिन जो है वो प्रॉफिट परसेंटेज बताया जाता है जो कि सेल्स से मल्टीप्लाई होती है। लेकिन अब इस हमारी वाली एग्जाम्पल में इसको क्या करेंगे? देखिए, अगर आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, नहीं दिया हुआ, तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए अगर वो आपको मार्कअप देता है तो कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय मार्कअप परसेंटेज, ऐसा ही है। और अगर वो आपको मार्जिन देता है तो फिर आप परसेंटेज को सेल्स मल्टीप्लाई बाय मार्जिन परसेंटेज, ऐसा ही है। ऐसा तो नहीं है कि सेल्स के साथ मार्कअप लगा दिया और कॉस्ट के साथ मार्जिन लगा दिया, ये तो नहीं कर सकते ना। तो एग्जामिनर भी बहुत तेज है, वो आपको कॉस्ट के साथ मार्जिन देगा और सेल्स के साथ मार्कअप देगा। ले जी, कंफ्यूजन स्टार्ट्स, व्हाट टू डू विथ, अगर कॉस्ट के साथ मार्जिन दिया हुआ तो क्या करूं और सेल्स के साथ मार्कअप दिया हुआ तो क्या करूं? जैसे फॉर एग्जांपल, ऐसे ही एग्जांपल करते हैं, सेल्स प्राइस है 500, मार्कअप दिया हुआ है 30%, बताएं प्रॉफिट कितना होगा। अब एक स्टूडेंट कहता है 500 मल्टीप्लाई बाय 30% 150, नहीं भाई, मार्कअप सेल्स प्राइस पे कोई लगता है, मार्कअप तो कॉस्ट पे लगता है, तो बताएं प्रॉफिट कितना होगा, व्हाट इज प्रॉफिट? आता है तो बताओ, इसी तरह मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। फॉर एग्जांपल, आपको कॉस्ट दी हुई है 500 और मार्जिन दिया हुआ, इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लो ना, जरूरत पड़ती है इसकी F3 के एग्जाम में, व्हाट इज प्रॉफिट? तो आपको ये जो मसला है ना, ये मसला समझना है आपको कि मार्कअप मार्जिन को कैसे अप्लाई करके, क्योंकि हमें तो अनरियलाइज प्रॉफिट निकालना है, चाहे वो सेलिंग प्राइस और मार्कअप दे दे, कॉस्ट और मार्जिन दे दे, मुझे क्या खर्च है। अगर वो सेल्स के साथ मार्जिन दे दे, कॉस्ट के साथ मार्कअप दे दे, फिर तो जिंदगी आसान, फिर तो टेंशन ही नहीं है। लेकिन अगर वो वाइस वर्सा दे दे, ऑपोजिट दे दे, तो कैन यू कैलकुलेट, यस और नो? है एबिलिटी कैलकुलेट करने की? एबिलिटी है तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। 115 पहले वाली सिचुएशन में, 115, अच्छा कैलकुलेट कर लेते, चेक करते, कैलकुलेट करके देखें क्या किया, 500 लिया और मार्कअप का मतलब होता है कॉस्ट 100 ना, तो 130 हो गया होगा और मल्टीप्लाई बाय 30, इसका आंसर 115 आ रहा है। 500 डिवाइडेड बाय 130 इनटू 30 का आंसर क्या आ रहा है? Is it 115? Yes, चलो, that means you know that how to calculate. ठीक है, तो दूसरी सिचुएशन में क्या होगा फिर? दूसरी सिचुएशन में जहां तक मुझे लगता है, तो मार्जिन दिया हुआ है तो 100 माइनस 30 तो ये हो जाएगा 70 मल्टीप्लाई बाय 30, इसका आंसर क्या होगा? टू वन फोर सर।
214, ये बात तुम लोगों को अगर आती है तो बेस्ट है, फिर तो तुम लोगों को सिर्फ एंट्री समझनी है और वर्किंग करनी है, बाकी तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। सही है जी, चलें दिस इज द एंड ऑफ आवर क्लास फॉर टुडे। अब आपको मैं काम दे रहा हूँ ना, जो तुम लोग